इमरजेंसी चेकअप? मुझे लगता शायद इन्हें पता चल गया कि हम स्ट्रेस नहीं ले रहे, इसलिए बुला। हमारे पास आपको एक चीज गारंटीड मिलेगी। हाँ, तो उसे संडे एडिशन गुड न्यूज़ देना ना। अच्छा, आलिया के इंटरव्यू का क्या हुआ? ओके, एनीवे आई विल बी देयर बाय 3, या सी यू देन। एक तो इस कमर्शियल को देख कर ना पेरेंट बनने से विश्वास ही उठता है। वेट कराना तो यार कम से कम वो धमका दिखा दो, जैसे कि लीथल वेपन दिखा दो, किड्स हॉस्पिटल तो ठीक है, बेबीज डे आउट दिखा दो, कम से कम ये तो मत दिखाओ। देखो कैसे बेच रहा है वो। आ जाओ प्रदीप, केयरफुली 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 आ जाओ प्रदीप, आ जाओ आ जाओ आ ध्यान से आ जाओ प्रदीप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रदीप, केयरफुली केयरफुली केयरफुली। प्रणाम मैडम जी। रख दे रख दे प्रदीप। ओ कहां चल गए भाई, इधर रखो यार, रख दे प्रदीप। ये सब क्या है सर? गिफ्ट है मैडम जी। नहीं मतलब ये अस्पताल थोड़ी है, ये भगवान का घर है मैडम जी। और आप लोग इंसान बनाते हो, हम जैसे गरीब लोगों के घरों में खुशियां लाते हो। आए आए आए। That's very thoughtful of you, sir. But यहाँ गिफ्ट्स अलाउड नहीं है। भेंट? Yes. नहीं, भगवान के मंदिर में भेंट भी अलाउड नहीं? No. छोड़ो मैडम जी, नहीं नहीं जान दो। इन डब्बों में ना जी चंडीगढ़ की स्पेशल रेवड़ियां हैं। जो लोग यहाँ से खुशियां प्राप्त करेंगे ना मैडम जी, उनको आप एक एक डब्बा देते रहना जी हमारी तरफ से। और ये क्या डायपर? ये भी दे देना जी उनको। कुछ नहीं है मैडम जी, छोटी छोटी टटियां स्पॉन्सर कर रहा हूँ जी। बच्चों को ना जी खुल खुल के करने दो। ऑलराइट। वो टटियों के चक्कर में मैं भूल गया जी, आप लोगों ने हमें फोन क्यों किया? वैसे मैं तो शुक्र ही मनाता हूँ जी कि ये मेडिकल प्रॉब्लम दी मुझे भगवान ने। इसी के चक्कर में भगवान ने अपने घर में आने का मौका तो दिया। ओ वैसे मैडम जी, वो भगवान ने एक दवाई लिखी है, वो ना जी किसी को समझ नहीं आ रही। आइए बनी दवाई आगे लिखी है सर, ये तो डॉक्टर साहब पेन चेक कर रहे थे। कमाल है जी, भगवान की हैंडराइटिंग आगे पीछे सेम ही लग रही है मैडम जी। बच्चा हो गया जी, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। 12 दिनों में बच्चा कर दिया, कमाल कर दिया मैडम जी। हमारा नहीं हुआ है, किसी और की डिलीवरी होती देखी मैंने। हेलो, जोशी ने मुझे दिखाया। अच्छा, इतनी क्यूट सी बच्ची थी, बिल्कुल मेरे सामने पे, छोटी सी। हाय बस माता रानी, हमें भी ऐसी क्यूट सी छोटी सी सोनी कुड़ी दे बस। चाहे बेटा भी हो गया ना, प्रॉप रूप को आके अपने शौक पूरे कर लियो। वैसे हमें कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में मैडम जी, बस अपना होना चाहिए। इन्हें क्या जरूरत पड़ गई अपना वंश आगे बढ़ाने की? कुछ तो बिल्ली पाल ले। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा? यस। You also Batras? Yeah. Wow. We also. Wow. तो किन वाले बत्रों को बुलाई डॉक्टर साहब ने? आप चारों आइए। लगता है आज सभी बत्राओं को एक साथ ही कुछ खुशखबरी मिल जाएगी। आज तो बत्रा डे होने वाला है। Yes. Come. Sir, please come. Hello. 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 Please. Hi. Hi. Hello. Please. Please. Varun and Deepti, please meet the other Batras. Myself, Ani Batra. And she's my dear wife, Monica Batra. And here is my card. Doctor sir. Ji. आपका फोन आया था कोई अर्जेंट काम, क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना है ऑफिस। यस यस यस। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप आराम से बताइए, हम वेले ही हैं। जी जी सॉरी सर। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देयर हैज आई मीन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, यूएस में कई केसेस ऐसे पहले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार हुआ है। लेकिन हुआ क्या है डॉक्टर? हुआ ये है कि there has been a sperm mix up. Please. No, no. What do you mean by sperm mixer? यानी क्या मिक्सर? कैसा मिक्सर? डॉक्टर साहब हमें भी हिंदी में बताइए। जी हनी जी, ऐसा है कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों के सीमेन स्पेसिमेन एक साथ प्रोसेस कर रहे थे एक ही टाइम पे, और क्योंकि आप दोनों के सरनेम बत्रा है तो वो मिक्सअप हो गया। फिर मिक्सर हो गया? मोनी मुझे को बताएगा क्या हो रहा है? Are you kidding me? तुम ये कहना चाहते हो कि इनके पेट में इस गधे का स्पर्म है? ये क्या कह रहे हो जी? वो मुझे क्यों गधा कह रहे हो तुम? एक सेकंड, तुम सेकंड, मैं किसके बच्चे की माँ बनूँ?
वो भैंस के यहाँ की चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे हिंदी में बताएगा? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहां भेज दिया और आपका स्पर्म यहाँ इनके अंदर। मतलब हमारा फैदा मिक्स हो गया है। फैदा? उस स्पैम यार, ये ऐसे कैसे मिक्स हो गया? नहीं मतलब ये कोई लगे थोड़ा था जो भैंस जी आपने मिक्स कर दिया? तू डॉक्टर है क्या? क्या है तू? प्लीज, वो तो छोड़ो, तुम मेरी बहन और मेरी जीजा को नहीं जानते। They're criminal lawyers in Delhi. और ये एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। और तू जर्नलिस्ट छोड़ ना यार। क्यों? मेरे चाचा जी हरियाणा के जो सीएम है उसके सगे ससुर है। मैं आप दोनों को ना ये स्पैम मिक्स करने के चक्कर में 15-15 साल अंदर कराऊंगा। मिनिमम 15 इयर्स। प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाइए। ये कोई मजाक है यार? क्या हो रहा है? ये कोई गाना है जो आपने रिमिक्स कर दिया? शांत हो जाइए। देखिए हम बहुत शर्मिंदा है, हमारी गलती। उस दिन बहुत सारे केसेस थे, हमारे टेक्नीशियन से गलती हो गई। मैं सॉरी, सो सॉरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए हनी जी। तू बात मेरी ध्यान से सुन। ये जो आप लोगों ने बसुड़ी मचा रखी है ना, इसको अभी ठीक करो, अभी के अभी ठीक करो। मेरा स्पैम वापस करो बहन जी। डॉक्टर साहब मेरा फायदा वापस करो बस। हनी जी बस आप टेंशन मत लीजिए ना, आप लोगों को बस एक माइनर प्रोसीजर करवाना है ताकि इम्प्लांटेशन का कोई चांसेस ना हो, दैट्स इट। इम्प्लांटेशन? यार ये तेरा बंदा हिंदी क्यों नहीं बोलता? ये तो हिंदी क्यों नहीं बोलता है? प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होने का कोई चांसेस ना हो। एक मिनट, चांस ना हो? अगर ये प्रेग्नेंट हो गई हो तो फिर क्या होगा? जस्ट टेल मी दैट, तो फिर क्या होगा? तो टर्मिनेट कर सकते हैं, रेत के दाने जितना होता है, बस माइनर डीएनसी से हो जाएगा। डीएनसी? जी नहीं, दिल्ली नोएडा कॉर्पोरेशन ऑफिस में क्या करेगी मोनी? अबॉर्शन कर सकते हैं। अबॉर्शन? जी। Pretty nuts or what? No. देखिए मिसेस बत्रा, आपके वैसे भी प्रेग्नेंट होने का चांसेस ना के बराबर है, because your ovaries are way older than your age. That's not right. मेरा सर घूम रहा है, can't take this anymore. Let's just Deepthi. Deepthi. Wait and watch. Deepthi. Just wait and watch. That's the wrong door. तो तुमने कौन सा सही इंसान में डाल दिया था? मोनी? हमें रिफंड मिलेगा?